हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान। और आज की जो वीडियो है, आज की जो हिंदी वीडियो है, और उसका उसके टाइटल में जो नाम है वो है एवरी देसी लवर लवर बॉय। ओके, तो ये हम लड़कों के लिए हैं, ठीक है। देसी भी हैं, मतलब आपको पता नहीं, मैं तो हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ऐसे लड़कों के लिए देसी लवर बॉय, जो वो क्या करते हैं, पर देखते हैं बाकी इसमें क्या दिखाया हुआ है। पर अगर ज़्यादा कुछ है तो भाई मैं ज़्यादा कुछ नौटंकी बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बड़ा वो किस्म का इंसान हूँ मैं। ज़्यादा अब छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ। बाकी हम देखते हैं वीडियो को, उसके बाद हम करेंगे बात, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द भी मुँह में आ रहे थे जो मैं बोल नहीं चाहता अभी। तो वैसा कुछ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी देसी लवर तो हूँ मैं, मतलब अभी अभी फ़िलहाल किसी से नहीं है, पर किसी से होगा तो आई कैन से माई सेल्फ एज अ देसी लवर बॉय। तो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या है, उसके बाद करेंगे अपनी बातें। अब फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ भाई क्या दिखाता है ये, क्योंकि स्ले पॉइंट की वीडियो है और स्ले पॉइंट की वीडियो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं इनका एक सब्सक्राइबर हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बस इतना ही बोलना था। नाउ शुरू करते हैं वीडियो को। 1 2 3। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि बीच पे कहानी एक्स्ट्रा सेंटी लगती है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, हिंदी में फेल होके भी सारे पर्यायवाची शब्द बॉलीवुड से सीख गया था। तो उसे दिल की बातें भेजने लगा। माय इश्क फॉर यू इज लाइक लूज मोशन, अपने अंदर और नहीं रख सकता। तुम सही में पटाखा हो, इतना धुआं जो छोड़ती हो। तुम जैसे गूगल असिस्टेंट हमेशा बिना बात के चालू हो जाती हो। हेलो, वो प्यारा रिप्लाई करके स्पीचलेस हो गई। 6 महीने से स्पीचलेस है। उसको ब्लॉक्ड कहते हैं क्या? हम साथ खाने लगे। 1 सेकंड आंखें बंद करना। अच्छा रन बेबी, तुम हाथ क्यों चाट रही हो? साथ जॉगिंग करने लगे। ये फिर आ गया। सोना जरा धीरे जॉगिंग करो ना। पुलिस पुलिस। फिर प्रपोज। ज्यादा कुछ नहीं करता भाई मैं, समझो। नहीं, ये तो ऑप्शंस में नहीं था। मैं बस तुझे दोस्त, यही मैं कह रहा था कि देसी जरूर कुछ नहीं करता मैं। कोई साड़ी थोड़े ना बेच रहा हूँ कि पसंद नहीं आई। अनइंटरेस्टेड लड़की के पीछे जबरदस्ती खुद का कटवा के उसके एक रिजेक्शन से मैं समझ गया कि सारी लड़कियाँ, मॉम और बहन को छोड़ के, सारी लड़कियाँ कमी नहीं होती है। तो अब मैं बनाता हूँ घमंडी लड़कियों के लिए करारा जवाब, किलर एटीट्यूड वीडियो। हम भी स्मार्ट है पूरी दुनिया की नजर में। सुन पगली, अगर तू अपने पापा की प्रिंस होगी तो हम भी अपनी माँ की प्रिंसेस हैं। नहीं तो हम भी अपने माँ के लाल है। इतना घमंड मुझे मत दिखा, क्योंकि जिस पाउडर से तू मेकअप करती है ना, उस पाउडर से तो हम कैरम खेला करते हैं। ये कोई सही में भाई खेलूंगा किसके साथ? अरे सुन, वीडियो बनाई अर्जुन वाली। वैलेंटाइन्स पे खाली बैठे थे तो एक बात समझ आई कि हमें आदत है हर चीज का इल्जाम दूसरों पे डालने। फादरी का इल्जाम तो बगल वाले पे डालते हैं यार। छी, क्या किया तूने? डिस्गस्टिंग। अबे मैंने क्या? गर्ल्स डोंट फार्ट। ये कब से होने लगा? वैसे सिंगल हो तो भाई अगला जेंडर ही गधा है, घटिया है। हमसे तो हीरे टपकते हैं, गुलदस्ता हकते हैं हम। तो बाहर से सिंगल सुरिंदर अपने अंदर के डैन बिल्जेरियन को तसल्ली देने के लिए कुछ भी लॉजिक बना रहे। GF mean go and f*** yourself. Put in your mind that girlfriend equals failure. क्यों? तुम्हारी किताबें छीन के भाग जाती है वो, डेस्क हिला के लिखने नहीं देती, प्रेजेंटेशन के जगह पेनड्राइव में भजन भर के देती है। वे बहुत सक्सेसफुल लोगों की गर्लफ्रेंड्स है भाई, और कोट्स भी सक्सेसफुल लोगों नहीं है भाई, सलमान खान के नहीं है। सचिन सांगवान यहाँ किसको गर्लफ्रेंड ने फेल किया है? ओहो नहीं नहीं नहीं, जो 20 रुपए का ऑटो लेके कार शोरूम के बाहर फोटो खींचा है उसकी सक्सेस तो लड़कियां भी नहीं रोक सकती। ओहो, इसकी तो बेहोशी में मदहोश है औरतें। सचिन स्लीपिंग ब्यूटी। नो गर्ल नो पेन, नो गर्ल नो पेन। ये कौन से गवार डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है? तुझे कौन सा दर्द पता चला मेरे से मिलके? सर दर्द। वो इनमें से ही निकला। अब हाथ में भी दर्द हो रहा है। Woman is art, but I am a science student. हमारे तो सिलेबस के ही बाहर है लड़कियाँ। स्वैग देखो कि क्या ढांसू लाइन मारी है मैंने। वो लड़कियाँ तो उबल के इवैपोरेट ही हो गई। साइंस स्टूडेंट। तो इसका वैलेंटाइन प्लान क्या है? टाइट्रेशन करके टेस्ट ट्यूब चाटना? 80% boys have GF, rest 20% have brain.
पर ये बनाने वाले के पास तो दोनों ही नहीं है। जिसकी फोटो लगाई है ना उसका ब्रेन मटर जितना है। वैलेंटाइन पे मम्मी बारबी ला के देती है इसे। इसी एवरेज लॉन्डे को चॉइस दो ना, ब्रेन या गर्लफ्रेंड। अरे ले लो, दिमाग वैसे भी यूज नहीं होता, ले लो और बंदी दे दो प्लीज। 80% की गर्लफ्रेंड होती ना तो तुम्हारा पेज और हमारा चैनल दोनों को फॉलो नहीं करता। सिंगल गैंग। Her attitude is like my 10th class books. No need to give attention. तो इसीलिए फेल हुआ। और कहता गर्लफ्रेंड इक्वल्स टू फेलियर। बोर्ड्स के टाइम पढ़ोगे नहीं? अच्छा भाई 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 ने कह दिया तो कह दिया। सिद्धू मूसे वाला सोच रहा है कि मैं 10वीं फेल लगता हूँ सालों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इससे ये बनाने वालों की उम्र तो पता चल गई। रीड बुक्स नॉट हर टेक्स। अभी तो बुक्स इग्नोर करने बोला ये। मैं तो रद्दी वाले को दे भी आया सब। भाई तू पहले डिसाइड कर ले या मैं बर्बाद हुआ जा रहा हूँ। अरे भैया वापस कर दो बुक्स। ये वही सेम पेजेस है जो वो घटिया मोटिवेशन भी देते हैं। फॉलो योर ड्रीम्स, क्विट योर जॉब, जॉब छोड़ दो, टिकट ले लो, टैन हो जाओ, प्यार कर लो और कभी वापस मत आओ। सर जंगल में गुम होके वहाँ टार्जन बन जाओ, क्योंकि वापस आने के पैसे तो बचने हैं नहीं जॉब छोड़ के। भाई करियर इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए सिर्फ डिग्री नहीं रियल स्किल्स भी चाहिए, जो सीख के अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो ऑन अपग्रेड। जो ऑनलाइन है तो जॉब गर्लफ्रेंड फैमिली सबके साथ बैलेंस भी हो जाए। अपग्रेड स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है जैसे मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम है फ्रॉम वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में नहीं करियर में भी आगे बढ़ो, काम की डिग्री पाके। अब कुछ भी हो इनका इल्जाम एक ही तरफ जाना है। बिहाइंड एवरी एंग्री गाय देयर इज अ वुमन हु मेड हिम दिस वे। कौन गुस्सा दिला रहा है? मम्मी ने वड़ा पाव के पैसे नहीं दिए। आज मम्मी फिर स्पाइडरमैन की जगह सुपरमैन की चड्डी ले आए। अभी पोस्ट करता हूं। बिहाइंड एवरी एंग्री गाय देयर इज अ वुमन। डोंट रन फॉर हर ऐश, बी रिच एंड देयर विल बी ऐश अराउंड यू। ऐश ऐश्वर्या, वो तो अभिषेक बच्चन ने ये मोटिवेशन अप्लाई किया था। या फिर ये ऐश, अबे अमीरों के आसपास पिछवाड़े होने लगेंगे तो मुझे नहीं चाहिए। अमीर होके क्या हुआ, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स? पिछवाड़ों से घर भर गया। इलॉन मस्क तकिए पे नहीं, चार पिछवाड़ों के जोड़े पे ही तो सोते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि अमीरों की ऐश ही ऐश है। ब्रो मेक मनी नॉट गर्लफ्रेंड्स। ये बोल रहे हैं जिनकी एक टाइम पे गर्लफ्रेंड ज्यादा थी और पिक्चरें कम। और कितनी हिट्स तो गर्लफ्रेंड्स के साथ दी है। ऐसे तो अंबानी की फोटो पे लिख दोगे कि ब्रो यूज डोकोमो नॉट जियो। डोंट टेक सीरियसली इफ शी क्राइंग ऑन फोन कॉल। हाँ उसका घर चल गया, नाले में गिर गई, रो के मदद मांग रही है, सीरियसली मत लेना। हेलो मेरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी मदद भेज। GTM है ना। अरे तो चीट कोड लगाना, नूब है क्या गधी। ये फोन क्यों नहीं जला? अब इनको लड़कियों से इतनी नफरत है कि किसी भी चीज से काम चला लेंगे। A Ferrari gives more comfort than a bitch with poor boyfriend. Ferrari? तो जाके उसका बोनेट चूम ले भाई। अरे सीरियसली नहीं। आह कितना प्यार। ये कपल रोमांटिक डिनर्स पे पेट्रोल पंप जाते हैं। इनका जानी दुश्मन है रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी मेरी दो गर्लफ्रेंड्स उड़ा चुका है। रोहित शेट्टी तो काम ही यही है। लड़की ढूंढने नापतोल पे जाता है। कभी बोल रहे कि लड़की से अच्छा तो अपने भाई को वैलेंटाइन बना लो। दूर से सुन के मेरा भाई घर छोड़ के भाग। कौन लिखता है भाई? भाई इतने बुरे दिन आ गए कि शिजुका मात्सुजाका मैम, पिंक पावर रेंजर डोरा छोड़ के मिस्टर बीन से प्यार। कि जो चीज पी के पोस्ट बना रहा है ना उसे अभी बैन करो। ऊपर से सब में ऐसी हंक्स की फोटो। ये तो गुलाब जामुन में भी प्रोटीन डाल के खाता है। जब ऐसी बिरयानी को कोई नहीं मिल रही तो इस ठंडी नान का किस यूनिवर्स में चांस है? किसी भी नहीं होता है। हौसला बड़ा तो और गिरा रही यार क्या ये? पर ये बहुत ज्ञानी है, कैप्शन में ही नॉलेज दिख जाता है। बॉयस रेस योर हैंड्स इफ यू आर एग्री। बॉयस रेस योर हैंड्स, रेस योर हैंड्स, यू आर एग्री। एग्री ये सब कोड लिखने वाले भी ना ऐसे ही होते हैं। पहले मैं मर क्यों नहीं गई? बाय दोस्तों। अब यहाँ से लेके कौन आ रहा है? इससे एडवाइस ले रहे हो तुम? इसने ऑटो करेक्ट को भी ऑटो करेक्ट करके इतना कचरा फैलाया है। काश वो 10th क्लास बुक्स को अटेंशन दे दिया होता। रेस योर क्लियर हर मेमोरीज लाइक यू क्लियर योर ब्राउजर हिस्ट्री। दाश मिटा देंगे लड़कियों की तो सर पे डंडा मार दे, वो सब भूल जाएगी और मैं जेल जाके संसार भूल जाऊंगा। इनको लड़की में भी इनकॉग्निटो मोड चाहिए। इफ शी इज यूजिंग डॉग्स फिल्टर इट डजंट मीन शी इज लॉयल। हाँ भाई मैं भी गाय का फिल्टर लगा के दूध पनीर नहीं देने लगता। इतने ये सही में भाई बड़े अजीब से कोट्स हैं ये।
मीट माय होने वाली वाइफ। इंस्टाग्राम कोड्स पढ़ पढ़ के बस यही ऑप्शन बचा था। आप दोनों कहाँ मिले? राजूस फर्नीचर। तू भी पहना आराम से भाई। अब तू भी मुझे माला पहना। मेरी सोफिनी पहना ना। बंद कर यार, ये भी घमंडी बेवफा निकली। अब एंटी सोफा पेज भी बनाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। पागल हो गया क्या? कौन बुला रहा है इनको? एक सोफे ने रिजेक्ट किया, अब सारे सोफों को हेट करूंगा। सोफा इक्वल टू फेलियर। नो सोफा नो पेन। बिहाइंड ऑल एंग्री मैन देयर इज सोफा। थ्रो योर सोफा इफ यू आर एग्री। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मैं बोलता हूं। So that is it for today guys. Please video पसंद है तो like करना, और अगर आप सोफा से शादी करना नहीं चाहते तो subscribe भी कर दो। Upgrade के program check out करना बिल्कुल मत भूलना। अपने knowledge और specializations को updated रखो, बहुत काम आता है भाई। Upgrade के fully recognized PG degrees जैसे MBA और data science, जिसमें वो आपको placement support भी offer करते हैं। Link is in the description. Bye. फिर लेट के देख रहे हो ना? मत hate किया करो हमें इतना यार। वैसे सोफा भी तो धोखेबाज निकली, इसीलिए अब मैं बेंच पे बैठा हूँ लकड़ी के। नो सोफा ओनली लकड़ी बेंच। ये भी पहनाएगी भाई हार। सही में बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने चूज किया लिटरली। वैसे भी ना मतलब अगर आप गूगल पे कोड सर्च करोगे तो आप देखोगे कि तीन चार कोड पढ़ने के बाद ना आपको खुद से फील होगा कि एक कोड जो बोल रहा है वो दूसरे कोड से मतलब जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है उनके बीच। वो जो बोल रहा है दूसरा कोड जो बोल रहा है वो दोनों एक दूसरे पे मतलब एग्री नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचते हो भाई इसकी सुनूं या इसकी सुनूं। तो मैंने भाई एक बात तो बहुत पहले ही समझ गया था ना कि जो कोर्स होते हैं ना कुछ नहीं होते हैं, लोगों के अपने विचार होते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि अगले के विचार सही ही हो। मगर मैं कुछ अमीर बन जाऊँ, अमीर सक्सेसफुल जो है बन जाऊँ, तो मैं कुछ भी बकवास करूँगा ना वो कोर्स बन जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़ा जो अनसक्सेसफुल इंसान है वो उसको सच एकदम मतलब वो क्या बोलेंगे ये भगवान की वर्ड समझ के ना फॉलो करना शुरू कर देंगे बिना सोचे कि भाई वो सही है भी कि नहीं। क्योंकि देखो एक इंसान जो जो भी बोलता है उसके मूड पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ सैड बोल रहा हूँ और मुझे किसी से गुस्सा है, सपोज कोई मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो मैं लड़कियों के बारे में कुछ उल्टा मतलब उल्टा सीधा ही बोलूँगा। तब अगर वो सुन के आप इंस्पायर हो जाओगे और उसको फॉलो करोगे तो वो तो सही नहीं है ना। तो हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। और ये जो बकवास से कोड्स जो होते हैं गूगल पे या इंस्टा पे बहुत सारे लोग, उन पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी कुछ भी बोल रहे होते हैं। वो जैसे कि वो एग्ज़ाम्पल था जॉब वाला कि जॉब छोड़ दो, टिकट लो और निकल जाओ। अरे कहाँ से निकल जाओ, पैसा लगता है, ठीक है। मैंने भी अपना व्लॉगिंग चैनल खोला हुआ है पर 3 से ज़्यादा वीडियो नहीं है उस पर। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा लगता है, टाइम चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ऐसे नहीं हवा में चल जाओ। कोर्ट में तो होता है लिखा हुआ कि सर छोड़ छाड़ के भाग लो। और मतलब जौन सा मर्जी टॉपिक चूज़ करो उसके लिए गूगल पे कोड सर्च करो, आपको 3-4 कोड पढ़ने के बाद खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि बकवास बातें हो रही हैं सही में। सही में अगर मतलब आप जो पहला कोड पढ़ोगे आपको लगा हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, ये कोड बढ़िया यार, इसको फॉलो करूँगा। 3-4 कोड और पढ़ोगे फिर बोलोगे यार बात तो ये भी सही बोल रहा है, पर ये उससे उल्टी बात बोल रहा है, अब किसकी सुनो। तो मारो गोली, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, ठीक है। जो भी आपके दिल को अच्छा लगता है वही बेस्ट होता है, बाकी सब जाए भाड़ में। इसी नोट पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो बहुत सही थी और टॉपिक भी बहुत सही चूज़ किया था उन्होंने। इतना एंटी गर्ल नहीं होना चाहिए भाई। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है किसी लड़की ने तो रिस्पेक्ट करो उसके, ठीक है। क्योंकि वो रिलेशनशिप जो होता है वो दो लोगों से होता है। अगर कोई एक भी नहीं रहना चाहता तो जाने दो उसे। जबरदस्ती ऐसे जो पकड़ के रखने का ना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं होता। वाह क्या अच्छा मैंने ज्ञान दिया यार। चलिए अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो फॉलो कर लेना। वो प्यार वाली बात ना, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। वरना कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं जहाँ ज़बरदस्ती प्यार लोग जो है रिजेक्शन जो है वो झेल नहीं पाते तो फिर अपने पार्टनर पे थोड़ा प्रेशराइज़ करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। नाउ
हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, बाय एंड टेक केयर।